हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम डिम्पल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, कि आपकी सिचुएशन अब बेटर होगी। तो यहाँ पे मेरे पास चार पाइल्स हैं एंड फोर क्रिस्टल्स हैं। मैं इनकी एक पिक्चर आगे वीडियो में लगाऊंगी। आप जिस भी पायल से या जिस भी क्रिस्टल से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करें, आप उस क्रिस्टल को या उस पायल को चूज़ कर सकते हैं एंड देन अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग आप ले सकते हैं। ऑल्सो बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने इंस्टाग्राम हैंडल एंड जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ऑल्सो टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो। हेलो पाइल वन, देखते हैं कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है एंड क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो सबसे पहले देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेशन एंड स्लीपलेस नाइट्स। सो आई कैन टोटली से कि इस टाइम पे द सिचुएशन इज नॉट वेरी मच राइट। यू वॉन्ट हीलिंग, आपको हीलिंग चाहिए है, यू सो मच वॉन्टेड। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्वॉर्ड्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, दैट टू नेगेटिव वन। सो इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो एंड इस टाइम पे आप रिस्क नहीं ले रहे हो। सो ये जो रिस्क नहीं लेने वाली चीज़ है, आप इसलिए भी नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट इनफ नहीं मिल पा रहा। फाइनेंसेस इस टाइम पे लैक कर रहे हैं या आप क्रॉस रोड्स पे हो क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको किस वे पे जाना है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए, जिस वजह से इस टाइम पे आप स्टक हो गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ें। ऑल्दो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, यू वेरी मच वॉन्ट एक्सप्लोर बट अगेन वही कि सपोर्ट नहीं है आसपास के लोगों का ज़्यादा एंड इसीलिए ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बेसिकली अगर आप कुछ पार्टनरशिप में भी करना चाह रहे हो तो जो पार्टनर हैं उसका भी सपोर्ट नहीं है, या फिर अगर आप अकेले करना चाह रहे हो तो लाइक फैमिली का यू नो इमोशनल सपोर्ट, उसकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है। एंड ऑल्सो आप खुद से बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हो बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे कि 100% चांसेस हैं नहीं अभी आपको कि चीज़ें सही लगें उस चीज़ के लिए। देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही कि ये जो एनर्जी है ना, इतना ज़्यादा जो आप ये बंधा हुआ इतना स्टक फील कर रहे हो ना, ये एनर्जी आपको इस टाइम पे आगे नहीं बढ़ने दे रही है एंड उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग और काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। और आप चाह रहे हो इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट, बट इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है और स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो पा रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हो जबकि आपके सामने मतलब काम ना बनते हुए रुक रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता लगे कुछ नया स्टार्ट करूँ वो भी नहीं हो, तो ये चीज़ लग गई है यहाँ पे। तो दो हैंगमैन ये बताता है कि आप थोड़े से टाइम अपने आप को दो, थोड़ा सा टाइम रुको, इंट्रोस्पेक्ट करो एंड जस्टिस मिलेगा। सो इफ़ यू वांटेड अ येस और नो, डायरेक्ट येस और नो कि आपके काम बनेंगे या नहीं, सो इट इज़ अ टोटल येस, तो आपके काम बिल्कुल बनेंगे, यू विल गेट द जस्टिस। अगर आप जस्टिस में ये है कि अगर आप अच्छा काम अभी कर रहे हो, ठीक है, तो द ब्लेसिंग्स टूवर्ड्स यू विल बी वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर आप बैठे हुए हो वेट कर रहे हो कि कब आपको रिजल्ट मिलेंगे कब मिलेंगे, तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो आप जितना अच्छा वर्क करोगे आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड जितना ज़्यादा आप वीक फील करोगे उतना ही आपको वीक मतलब रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए आप अपने कर्मा को ठीक रखो, आप अपने डीड्स को ठीक रखो, अपना हार्डवर्क पूरा दो, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जस्ट कुछ टाइम बाद। देन वी हैव मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। सो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, इंट्रोस्पेक्ट करो। द हैंगमैन यही मैसेज देता है कि थोड़ा सा टाइम ना रुक जाओ,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम रुक जाने के बाद चीजें अपने आप ही बेटर होने लगेंगी एंड चीजें अपने आप ही वर्क करने लगेंगी। जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, व्हेन योर टाइम इज नॉट 100% राइट, तब चीजें थोड़ी सी रुक जाती हैं, बट योर टाइम विल ऑल्सो कम, जस्ट डोंट गिव अप, ठीक है। एंड अनलॉक द मैजिक विद इन, यानी कि आपके लिए सारे आंसर्स आपके अंदर ही हैं। यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड जो भी आपको आंसर्स चाहिए, जो भी आपको डिसीजंस चाहिए, वो आप अपने आप से पूछो कि आप क्या कर सकते हो अपने डिसीजंस को 100% सही करने के लिए, तो आपके लिए हर चीज वर्क करेगी। तो इंट्रोस्पेक्शन इस टाइम पे बहुत जरूरी है, अपने साथ टाइम स्पेंड करो एंड ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ऑल्सो द लास्ट मैसेज फॉर यू इज वट डू यू नीड टू रिलीज। सो ये देखो कि इस टाइम पे आप किस चीज पे बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, उस चीज पे आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है एंड उसको रिलीज करना है। सोचो कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या नेगेटिव चीज है, कोई नेगेटिव पर्सन, कोई नेगेटिव हैबिट जो इस टाइम पे अब आपको रिलीज करनी है, बिकॉज इट इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर एंड इट इज टाइम टू रिलीज। सो राइट डाउन दैट वॉट डू यू नीड टू रिलीज राइट नाउ। सो द मैसेज फॉर यू वॉज बेसिकली दैट यू आर फीलिंग स्टक राइट नाउ, बट आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो इट इज अ प्योर ब्लेसिंग दैट यू विल गेट रिजल्ट फॉर योर हार्डवर्क, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर सम टाइम एंड यू जस्ट नीड टू यू नो इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट ऑल्सो, कि आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है देखने में कि क्या जो आप कर रहे हो। आप अभी अगर जल्दी में क्रॉस रोड्स पे डिसीजन ले लोगे तो वो चीज़ इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आएगी, वेयर एज अगर आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लोगे एंड तब आगे बढ़ोगे, तब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप सक्सेस को लॉन्ग टर्म में एंजॉय कर पाओगे। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल वन, सेंडिंग लव एंड लाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल टू, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें आपको बैलेंस करनी हैं एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन और ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सबसे पहले वी हैव एस ऑफ कप्स, विच मीन्स दैट इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे, इमोशंस इस टाइम पे ओवरफ्लो कर रहे हैं एंड एक चीज़ को लेके नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके इस टाइम पे एक ही टाइम पे सोच रहे हो कि ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा हो गया, या फिर ये अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है सब जगह या बहुत अच्छा नहीं हो रहा है सब जगह, ठीक है। बट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे इमोशंस हैं इफ दीज आर हैप्पी वंस एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड टू बी दिस इमोशनल इमोशनल अगर इट इज़ अ बैड थिंग। सो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुआ आप इस टाइम पे, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो फॉर श्योर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बैगेज लेके चल रहे हो अपने शोल्डर्स पे, तो यहाँ पे इसका ये भी मतलब हो सकता है एस ऑफ कप्स के साथ आने का कि आप ये जो इतना ओवरबर्डन कर रहे हो, ये जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने लिए बांधी हुई हैं, ठीक है, इस वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे इस टाइम पे, इसलिए आपके इमोशनल फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं विद इन यू, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो जो भी आप इस टाइम पे फील कर रहे हो। देन वी हैव द हर्मिट, यानी कि आपको काफ़ी अलोन भी फील हो रहा होगा, तो ज़रूर दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव वन देन, बिकॉज साथ वाले कार्ड इतने अच्छे नहीं हैं, तो यानी कि इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं बट यू आर नॉट श्योरिंग इट विथ एनी वन, इसको आप अपने तक ही रख रहे हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा भी कुछ कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई चीज़ वर्क भी करेगी कि नहीं, इतना ज़्यादा इमोशनल मतलब इतना ज़्यादा बैगेज आपने लिया हुआ है ना, वर्कलोड इतना ज़्यादा लिया हुआ है कि आप अभी अपने इमोशनल सेल्फ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जब आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, लाइक इमोशनल बैगेज को थोड़ा सा साइड रख दोगे, देन आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे अपने इमोशनल साइड पे भी। ऑल्सो यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स दिख रहा है, तो हार्ड वर्क तो बहुत ही ज़्यादा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है,
बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो इस टाइम पे, हद से ज्यादा. मतलब हासिल करना ठीक है, बट अपने आप को बिल्कुल ही बर्डन के अंदर डाल देना भी हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. एंड यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो भी रही है. एंड बिकॉज ये कोविड सिचुएशन है, तो हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, एक ही रूम में बैठ के पूरा पूरा टाइम काम करने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है. तो इसीलिए ये अच्छी बात है, हसल करो, बट ऑल्सो थोड़ा सा फोकस करो अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने इमोशनल सेल्फ पे. कनेक्ट विद योर इमोशनल सेल्फ ऑल्सो. अगेन द हर्मिट आ गया. सो द हर्मिट एनर्जी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा बढ़ी हुई है. बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हो, लुकिंग आउट फॉर अ होप कि अभी इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने का कुछ होप होगा. ठीक है, तो आई टोटली सी कि होप है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है. तो आप अपने इमोशनल सेल्फ से कनेक्ट करोगे तो देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. वॉट अ गार्जियन, ओ माई गॉड, इमोशंस आर जस्ट, आपकी आपकी पाइल इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड नथिंग एल्स. वॉट अ गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस. प्रीस्टेस, कनेक्ट विद योर इमोशंस. टू टाइम्स हर्मिट, कनेक्ट विद योर इमोशंस. एंड एस ऑफ कप्स, विच मीन्स दैट इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग. सो यू टोटली नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस ताकि आप अपने आप को हील कर सको. इस टाइम पे नोबडी कैन हील यू, बट ओनली यू कैन हील योर सेल्फ. क्योंकि आप ऑब्वियसली आप सक्सेस चाहते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप हासिल करना चाहते हो. बट एक लिमिट तक हासिल इज ओके, बट जब वो चीज़ आपको ओवरबर्डन कर रही है, जब वो चीज़ आपको लोनली फील करवाना स्टार्ट कर रही है, तब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेजुविनेशन की ज़रूरत है. एंड आपको ज़रूरत है कि आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेट करो. एंड जितना ज़्यादा हो सकता है इमोशंस से ज्यादा कनेक्ट आप मेडिटेशन से ही कर सकते हो. नो वन कैन हेल्प यू कनेक्ट विद योर इमोशंस, बट ओनली यू कैन डू इट. नेक्स्ट लास्ट मैसेज वी हैव इज सरेंडर टू डिवाइन. सरेंडर टू डिवाइन मतलब कि आप इतना ज्यादा सोचो मत कि काम होंगे कि नहीं होंगे. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कनेक्ट विद योर इमोशंस. बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दो. डिवाइन हैव सो मच प्लान फॉर यू. अगर आप अपने लिए 10% सोच रहे हो या 100% भी सोच रहे हो, तो डिवाइन हैव 200% प्लान फॉर यू ऑलरेडी. इसीलिए ही थोड़ा सा टाइम रुको, अपने आप को दो, एंड हर चीज आपके लिए वर्क करेगी. जस्ट डिवाइन पे छोड़ दो कि जो हो रहा है गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो. थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्क आउट फॉर यू इन अ बिट. ओके, सो स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर इमोशंस इज द ओनली एंड ओनली मैसेज फॉर यू. एंड टू डू लिस्ट बनाओ. इतना ज्यादा अपने आप को बर्डन मत दो, बिकॉज एक लिमिट तक ही हार्ड वर्क सही होता है. ठीक है, उसके बाद अपने आप को अपने आप की हेल्थ खराब करके, हेल्थ इज वेल्थ, अपनी हेल्थ खराब करके वेल्थ कमाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. आफ्टर सम टाइम आपको यही फील होगा कि यू माइट हैव गिवन सम टाइम टू योर सेल्फ. ठीक है, तो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो. सो दिस वॉज इट फॉर पाइल टू, एंड आई होप इट हेल्प. सेंडिंग लव एंड लाइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो पाइल 3, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है एंड वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखाते हैं कि इस टाइम पर आप सोशलाइज कर रहे हैं एंड प्रॉबेबली आपने पार्टनरशिप में कुछ न्यू स्टार्ट किया होगा, या आपके कलीग्स के साथ बहुत ही अच्छा आपके कनेक्शंस हैं. और इट कैन ऑल्सो मीन प्रमोशन काफ़ी लोगों के लिए, कि इस टाइम पे आपकी न्यू जॉब या प्रमोशन लगा होगा. देन वी हैव 4, दैट इज़ द एम्परर. तो वो भी हमें ये बताता है कि इस टाइम पे आप में से काफ़ी लोगों को प्रमोशन मिला होगा या फिर रिकग्नाइजेशन मिला होगा आपके काम को लेके. तो इसलिए काफ़ी अच्छा काम को लेके मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके काफ़ी अच्छी सिचुएशन दिख रही है, एंड दैट इज़ वेरी गुड. ड्यू टू विच आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है एंड रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ मुझे सिचुएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इन फाइनेंसेस एंड बोथ इन फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप. तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे
एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी है रिलेशनशिप में, कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी है पार्टनर के साथ। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इस पार्टनर के साथ एंड यू वॉन्टेड टू नो कि कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, देन ऑब्वियसली इट विल बी लाइक अ क्वीन एंड अ किंग, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर। तो काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी भी रहेगी एंड फाइनेंसिस में भी। अगर अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है देन फॉर श्योर द ब्लेसिंग कमिंग योर वे इज़ द प्रमोशन और अ न्यू जॉब वेरी वेरी सून। एंड आपको काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब मिलेगी या फिर बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रमोशन मिलेगा जिस पे आप चाह रहे थे बहुत टाइम से। आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलेगा। देन वी हैव द मून, लुक इन टू एवरीथिंग डीपली, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो आप ज़्यादा हाथ पैर मार के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। यू राइट नाउ यू नीड टू स्टॉप, ठीक है? अपना हार्डवर्क करते रहो जैसे कर रहे थे, डू नॉट मेक एनी चेंजेस, जैसे हार्डवर्क कर रहे थे वैसे करते रहो एंड यू विल सी चेंजेस अपने आप से ही आ जाएंगे, ठीक है? तो इस टाइम पे आपको आपके रिकग्नाइजेशन ज़रूर मिलेगा, बट आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की सोचोगे तो चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। जैसे अभी तक आप काम कर रहे थे वैसे ही करते रहें तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड देन वी ऑल्सो हैव टेम्परेंस, तो आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस, तो इसमें से आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो आगे जाके। आपको ये चीज़ ना फील हो कि आपने एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया एंड दूसरी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई। तो दूसरी चीज़ बिल्कुल रुइन करने से बेटर है कि इस टाइम पे आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चलें, देखें कि आप कब किस चीज़ को टाइम दे सकते हैं एंड उसी हिसाब से अपना टाइम स्केड्यूल करके चलें ताकि आप हर चीज़ को टाइम दे पाएँ। देन वी हैव विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, सो अपनी भी चिंता करें, नॉट ओनली फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप, बट इस टाइम पे ये जो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है। तो इसीलिए यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी थिंग एंड द ब्लेसिंग कमिंग योर वे इज़ बैलेंस की आप बहुत ही ज़्यादा फोकस जब खुद से करेंगे हर चीज़ के ऊपर, जब आप खुद ही एक लिस्ट बनाने लगेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा प्रायर है, क्या आपको बाद में करना है, क्या पहले करना है, क्या क्या आपके पास काम है, तो आप हर चीज़ को बहुत इजीली बैलेंस कर पाएंगे। एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग योर वे, दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल आफ्टर सम टाइम। एंड जस्ट नो दैट व्हाट डू यू नीड टू रिल इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। सो इस टाइम पे आप जिस भी नेगेटिविटी पे होल्ड ऑन कर रहे थे उस नेगेटिविटी से अब आप दूर होने वाले हो एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू। द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे आर फाइनली दैट यू विल बी एबल टू मेंटेन द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी दैट यू वांटेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू रिलीज द नेगेटिविटी। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 3 एंड आई होप इट वॉज एबल टू रेजोनेट। सेंडिंग लव एंड लाइट, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं फॉर द करंट सिचुएशन एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हिच मींस दैट यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी, या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया होगा सो यू आर वेटिंग फॉर द कॉल बैक, यानी कि आप किसी मेल, किसी टेक्स्ट या किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं इस टाइम पे। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, इट कैन प्रोबेबली बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप और लव बिकॉज इट इज़ ऑल द द कप्स एनर्जी, इट इज़ वेरी इमोशनल एनर्जीज आर अटैच्ड इन दिस कम्युनिकेशन दैट यू वॉन्ट टू हैपन, या फिर आपके पार्टनर के साथ इस टाइम पर आपका कम्युनिकेशन कम होगा एंड यू वॉन्ट बेटर कम्युनिकेशन। देन वी हैव 7 of Cups, तो 7 of Cups हमें दिखाते हैं कि आप इस टाइम बहुत ही ड्रीमी वर्ल्ड में हो। यू वॉन्ट सो मच एट वंस दैट यू कैन नॉट वेट, ठीक है? तो आप ये देखो कि आप एक एक करके हर चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करो बिकॉज़ आप एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, इसीलिए ही बहुत ज़्यादा हसल हो रहा है एंड सारी चीज़ें हौच पौच हो जा रही हैं। इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स
निकाल सको एक या दो चीज़ों से। हर चीज़ पे आप अगर फोकस करोगे तो रिजल्ट्स काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे। एंड द डेविल भी हमें ये दिखा रहा है कि काफ़ी आप नेगेटिविटी में बॉन्ड हो। यहाँ प्रॉबेबली यही लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हो तो ड्रीमी, ऑल दो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट स्टिल यू आर इन अ वेरी ड्रीमी वर्ल्ड। यू वॉन्टेड टू वर्क आउट बट यू जस्ट नीड टू नो दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली वेरी पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज द पार्टनर आई सी इज़ एक्सट्रीमली नॉट राइट फॉर यू, आई वुड से इज़ नॉट राइट फॉर यू। देन वी हैव द सन, यानी कि योर सिचुएशन कैन श्योरली गेट बेटर, आई सी न्यू बिगनिंग्स। अब वो इस रिलेशनशिप के बाद भी हो सकती हैं, इट कैन बी अ न्यू बिगनिंग्स इन दिस सेम रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम, बट द करंट एनर्जीज आर नॉट रियली वेरी गुड इन दिस रिलेशनशिप। देन वी हैव द जजमेंट, सो या आई वुड से दैट डू नॉट लीव दिस रिलेशनशिप, इट इज़ बेटर फॉर यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। या फिर अगर ये आप बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में देख रहे हो और या कलीग्स के बारे में देख रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि अभी आप इस चीज़ में रहो, अभी आप एकदम से क्विट मत करो। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देयर विल बी अ न्यू चेंज। नाउ यू हैव टू सी कि अगर चेंज इसी चीज़ में दोबारा से आ सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू रियली नीड टू क्विट एंड स्टार्ट अ न्यू। वाइस वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। सो प्रॉबेबली इसी रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखेगी, न्यू सिचुएशन दिखेगी। यू एकदम से क्विट करने से बेटर है कि आप अपनी करेंट सिचुएशन से सीखो, वट इज़ योर सिचुएशन ट्राइंग टू टीच यू। ठीक है, इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट एवरी सिचुएशन और एवरी पर्सन दैट यू विल एनकाउंटर राइट नाउ, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो देखो कि आप उनसे क्या सीख सकते हो एंड स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। तो अपनी बाउंड्रीज से थोड़ा सा बाहर आके सोचो एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है, अपनी ही बाउंड्री में जब तक आप बैठे रहोगे एंड सोचोगे कि क्या होगा आगे, तब तक ना ही ये कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगी, ना ही कोई नई बिगनिंग हो पाएगी। तो इसीलिए जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, जब आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर आओगे, सेट बाउंड्रीज से बाहर आओगे, तब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप एक न्यू स्टार्ट सेल्फ के साथ भी देख पाओगे, क्योंकि आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नोटिस करोगे। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल फोर, एंड इफ यू वॉज एबल टू रेजोनेट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेंडिंग लव एंड लाइट।